देखिए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव वॉइस है तो जिसमें कर्ता सक्रिय हो, कर्ता काम को अंजाम देता हो, ऐसे वॉइस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें कर्ता पर ही क्रिया डन होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्ता सक्रिय होता है। जैसे कहें कि मोहन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है, तो इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पहले उसमें जाग दीजिए। मोहन पढ़ाता है अर्थात इस वाक्य में पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है अर्थात काम के लिए मोहन खुद सक्रिय है, उस काम को अंजाम दे रहा है। तो हम लोग अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, फिर अगले टेंस की बात करें। तो ता है ती है लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मोहन पढ़ाता है तो क्या बनाएंगे? मोहन, अब पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है? टीच। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो क्या लगते हैं? टीचेस। नहीं, मोहन टीचेस, मोहन पढ़ाता है। अब कहते हैं कि मोहन को पढ़ाया जाता है, मोहन को पढ़ाया जाता है। तो इसमें मोहन खुद पढ़ रहा है कि उसे पढ़ाया जा रहा है? अर्थात इस वाक्य के पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि पढ़ाने वाला कोई और है, कोई और है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो इस वाक्य के पढ़ने से अभी पता नहीं चल रहा। तो मोहन को पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाने की जो क्रिया है वह किस पर डन हो रही है? मोहन पर डन हो रही है। किस पर डन हो रही है? मोहन पर डन हो रही है। अर्थात ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस में होना। किस वॉइस में होना कहेंगे? तो पहले इसको लिखते हैं पैसिव। जिसमें कर्ता पर ही क्रिया संपादित हो या होता हुआ प्रतीत हो। किस पर? कर्ता पर ही क्रिया संपादित होता हो। जैसे मोहन को पढ़ाया जाता है, मोहन को पढ़ाया जाता है। तो देखिए इसमें भी ता है ती है लगा हुआ है तो समझ रहे हैं किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। पहले से पढ़ चुके हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा हो तो सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन इस वाक्य में मोहन खुद काम कर रहा है और इस वाक्य में मोहन पर ही काम हो रहा है, मतलब कोई पढ़ाने वाला तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो मोहन को पढ़ाया जाता है। जब हम प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में आते हैं, एक चीज आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी टेंस के अगर पैसिव फॉर्म में जाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप ही प्रयोग होगा। हमेशा वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग होगा? पैसिव फॉर्म में जाएंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होगा, पहला दूसरा रूप प्रयोग नहीं होगा। तो इसको बनाने का नियम होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर इसको भी आपको हिंट्स के लिख ली देते हैं। अगर इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट से रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जैसे मोहन और प्लस V5 लगाए तो मोहन प्लस, अगर इसी में आई रहता तो टीच ही रहता, तो आई प्लस टीच मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए इसके पैसिव फॉर्म की बनावट क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेजेंट को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए आपको इसमें इज, एम या तो आर लेना पड़ेगा, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, और ऑब्जेक्ट है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, इस वाक्य में अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मोहन को पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। मोहन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? इज। टीच का तीसरा रूप क्या होगा? टाउट। टीच टाउट, टाउट होता है तो क्या लिखेंगे?
टाउ टी आई यू जी एच टी, अर्थात लिखे मोहन इज टाउट, मोहन को पढ़ाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी जोड़ देते हैं कि मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो मोहन इज टाउट इंग्लिश। इसी में जोड़ दीजिएगा कि मोहन को सोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मोहन इज टाउट बाय सोहन। तो बाय के बारे में बताएंगे, तो अभी ट्रांसलेशन इस बात को समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में कर्ता खुद काम करे तो उसे किस में होना समझते हैं, एक्टिव वॉइस में, और जिसमें कर्ता पर ही क्रिया हो तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और बाय के साथ रहेगा तो उसको जोड़ना। इंटरचेंज बताएंगे तो बाय वाला बताएंगे, अभी सिर्फ ट्रांसलेशन समझते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राधा काम करती है, राधा काम करती है, तो क्या बनाएंगे, राधा डज वर्क, नहीं। अब देखिए इसी के पैसिव में इंटरचेंज करेंगे तो लिखेंगे राधा के द्वारा, हाँ राधा के द्वारा काम किया जाता है, राधा के द्वारा, दो बार लिखिए, राधा के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही द्वारा के साथ सब्जेक्ट जुड़ जाए तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, बाद में आएगा, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, काम किया जाता है। के द्वारा जिस वाक्य में जुटा हुआ है तो उसको बाद में लिखिएगा, पहले बनाएंगे काम किया जाता है, तो काम करना हो गया, वर्क हो गया, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वर्क इज, करने का क्या होगा, हाँ डज से डन बन जाएगा, वी थ्री डन, किसके द्वारा किया जाता है, बाय राधा। तो देखिए इसमें राधा एज ए सब्जेक्ट लगता है, राधा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन जैसे ही के द्वारा जुट जाएगा तो सब्जेक्ट हुआ नहीं रहेगा, हुआ किस रूप में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो काम किया जाता है, तो क्या बनाएंगे, वर्क इज डन बाय राधा, वर्क इज डन बाय राधा। अभी आपको सिंपल ही बनाने के लिए देते हैं, फिर आपको आगे देंगे, इसको उतार लीजिए।